आज का मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल के चुनाव में झारखंड का जेएमएम जुड़ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जेएमएम। झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बंगाल के दंगल में जुड़ चुके हैं और कल होगा कोलकाता में मीटिंग। तो जानते हैं इसमें पूरा खबर और वो जगह का नाम जहां पर 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो जानते हैं इस वीडियो में पूरा खबर। बंगाल की लड़ाई झारखंड तक आई। कोलकाता से जेएमएम का शंखनाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा अब पश्चिम बंगाल चुनाव की तैयारी में है। पश्चिम बंगाल पर जेएमएम 25 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए प्लान बना रहा है। कोलकाता में जेएमएम बंगाल इकाई की दोपहर 12 बजे बैठक बुलाया है। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में जेएमएम टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं। और कौन कौन सीट पर जेएमएम चुनाव लड़ेंगे वो भी आप जान लीजिए। बार बोनी माल, कालचीनी, गाजोल, नयाग्राम, गोपी वालपुर, झारग्राम, बिनपुर, रायपुर, रानीबाग, बांदो बांध, मानव मजाल, काशीपुर, इंद्रपुर, केसी हड्डी, गवेद्रा, अरसा, झालदा, तंगरा, राधीनाथपुर, पारा, छतना, पादेश्वर, उल्टी, आसमसोल नद, ये सब कि बंगाल की जो ताज़ा हालात हैं और विधानसभा में क्या संभावनाएं पार्टी के लिए हो सकती हैं उसकी जायजा लेने के लिए पार्टी ने बैठक बुलाया है। कलकत्ता में बैठक है, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण कलकत्ता के लिए कूच कर गए हैं। और मुझे लगता है जो बृहत झारखंड का मान था, जो एरिया थे, विशेषकर उन क्षेत्रों में मजबूत पकड़ हमारी है, हमारे लोग वहां रहते हैं। जेएमएम बंगाल चुनावी तैयारी पर बीजेपी ने निशाना साधा है। रांची सांसद सेठ की दलील है कि बंगाल में मोदी मैजिक चलेगा। जेएमएम बिहार चुनाव में अपना हश्र देख चुके हैं। जेएमएम को पहले झारखंड बचाना चाहिए, ऐसा कहा है उन्होंने। सुनिए इस वीडियो में। अच्छा अच्छा अच्छा, चले वहां भी देखेंगे। वहां बंगाल की जनता ठान लिया भैया, वहां मोदी की सेवा कुछ नहीं, सिर्फ मोदी। गांव, टोला, पंचायत, नगर, महानगर, मोदी 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 मोदी, मतलब विकास, मोदी मतलब डेवलपमेंट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव उल्टी गिनती हो चुकी है। बीजेपी पूरी तैयारी के साथ बंगाल की दंगल में उतर चुकी है। वही जेएमएम भी दंगल में जुड़ चुके हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। यही जानकारी था आप लोगों को देना। तो ये जानकारी कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मेरा यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके।